नमस्ते है काल मैं है आपका एक और नए दूं मंडे को वी आर गोइंग टू डू अब थ्योरी सेशन एंड उसमें रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी स्टार्टअप फाइनेंस ये सारे जो टिपिकल थ्योरी चैप्टर है उनको मैं लाइव करवाऊंगा एकदम क्विक लेवल पे सो so दैट आपका साथ साथ में मेरे हो जाएगा ट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद दैट थियोरी टिल द एग्जाम क्योंकि आप उसको फिर एंड में भी रेफर कर सकते हो दो तीन बार अब अपन लोग कर रहे हैं म्यूचअल फंड म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है फॉर थियोरी पॉइंट ऑफ मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ इन द सेंस एमसीक्यू में आ सकते हैं कभी कभी उसके ऊपर तीन तीन चार चार मार्क का एक थियोरी क्वेश्चन आ सकता है सो वी शुड डू इट प्रॉपरली तो चलो शुभकाम में देरी कि इस बात की बट उसके पहले

का जो लाइक like है दैट ऑफ़ टेलिंग अस हाउ थिंग्स आर गोइंग सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड यस यूजुअल अपना मैजिक बुक ओपन कर लो नहीं है तो टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर रहा हूं कमेंट्स में सो so, प्लीज टेलीग्राम लिंक पे शेयर हो जाओ हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर uh, उसमें एमसीक्यूज का टेस्ट डालते हैं सो दैट इज आल्सो हेल्पफुल यू कैन यूज

करते हैं बेसिक म्यूचुअल फंड के साथ म्यूचुअल फंड क्या होता है ये अपने को पता है व्हेन अ पूल ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड क्रिएट अ फंड दैट बेसिकली इज दैट मनी इज इन्वेस्टेड प्रोफेशनली बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन ऑर्डर टू अर्न गुड रिटर्न द रिटर्न आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स with after deducting a small professional fee so it is an investment avenue collects money from large number of investors having common objective of investment jisko bhi pharma sector mein invest karna hai wo pharma wale mutual fund mein dal sakta hai jisko bhi equity oriented mein invest karna hai wo equity oriented wale mutual fund mein dal sakta hai it all depends on your objective and waise hi type ke mutual fund mein aap invest kar sakte ho koi problem नहीं है. mutual fund is operated by professional managers इन्वेस्ट इन यूनिट होल्डर्स फंड इन्वेस्ट यूनिट होल्डर्स फंडिट होल्डर ने जो पैसा दिया उसको इन्वेस्ट करते हैं कहां पे इन सिक्योरिटीज लाइक शेयर डिबेंचर्स गोल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एट्रा जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पॉसिबल प्रोड्यूस कैपिटल अप्रीसिएशन और इनकम फॉर फंड ऑफ इन्वेस्टर्स फिर बाद में आ जाता है कि इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड एडिशनल आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे रहा हूं ज्ञान दे रहा हूं हाउ डज इट वो फॉर्मेशन इसमें ऐसा होता है दैट इज अ स्पॉन्सर देन देर इज अ ट्रस्टी फिर एमसी तुम लोग ने सुना होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड देन देर इज अ कस्टोडियन सो स्पॉन्सर से फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड है तो एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करता है एक एच डी एफ सी बैंक क्यों ऐसा स्पॉन्सर चाहिए बिकॉज फाइनेंशियल पैसा इन्वॉल्व है अगर कल उठ के कुछ म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम होता है तो एक स्पॉन्सर इतना अच्छा होना चाहिए दैट यू नो दिस एनी फाइनेंशियल इरेग्यूलरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड can be taken care of by the sponsor. hona chahiye fir baad ऑफ hota hai trustee ye jo bhi बहुत अच्छा और hai चाहिए वो पैसा सही लोग invest सही जगह पे invest हो रहा है कि नहीं वो manage करने के लिए वो देखने के लिए transparent चीजें हो रही है कि नहीं उसके लिए होता है ट्रस्टी अगेन ट्रस्टी का काम समझना पैसा कितना आया उस पैसे में से अगर बोला इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो 65 से ज्यादा इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं फिर वो इन्वेस्ट हो रहा है अगर पैसा और उसमें से अगर कुछ सेल किया तो वो राइट अकाउंट में आया है बराबर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो एक ट्रांसपेरेंसी देख लेता है ट्रस्टी फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिस इज द मेन फंड मैनेजर तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही से फॉर एग्जाम्पल कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी तुम लोग ने सुना होगा कोटक एएमसी तो कोटक का काम क्या होता है टू invest the money to create capital to create capital appreciation to distribute dividend all of that work is of the amc and last i custodian custodian is nothing but keeper of the money of the mutual fund so sponsor establishes the mutual fund एच डी एफ सी बैंक स्पॉन्सर्स एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड इसमें आपको बनना है तो आप या मैं नहीं बन सकते नेटवर्थ कुछ तो एक अमाउंट है उतना होना ही चाहिए इज टू एंश्योर प्रोसेस फॉलोड इज इंडिपेंडेंट ए एम सी मैनेजिज म्यूचुअल फंड असेट एंड डिसाइड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बाई एंश्योरिंग बैलेंस ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड कस्टोडियन का काम है

इक्विटी ओरिएंटेड मतलब मेजोरिटी आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होने वाला है इफ यू आर अ गुड रिस्क टेकर देन यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वेर इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 65 परसेंट इज इन इक्विटी शेयर्स मोर रिस्क मोर रिटर्न्स फिर बाद में होता है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वेर इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन सिक्सटी इज इन डेट नॉन रिस्की होता है लेस रिस्क बट कंफर्म रिटर्स है तो टेंशन नहीं है एंड द थर्ड इज हाइब्रिड विच इज अ बैलेंस ऑफ इक्विटी एंड डेट बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन इक्विटी ओरिएंटेड डेट ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड फिर बाद में थोड़ा आता है टाइप्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड समझ रहे हो तुम लोग तो तो पहले बाइफरकेट तो हो गया कि या तो वो इक्विटी ओरिएंटेड होगा डेट होगा या हाइब्रिड होगा अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसमें भी तीन होते हैं अब ये इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब ही है कि वो इक्विटी फंड्स में इक्विटी में ही इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करने वाला है बट इसमें क्या टाइप में अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड है अग्रेसिव फंड है या इनकम फंड है सो इफ इट इज अ ग्रोथ

सो so, स्टार्टअप में यूजअली ये अग्रेसिव फंड इन्वेस्ट करते हैं इस पर या उस पर लुक फॉर सुपर नॉर्मल रिटर्न फॉर विच इन्वेस्टमेंट इज मेड इन स्टार्टअप आईपीओस एंड स्पेक्यूलेटिव शेयर ये जो मल्टी बैगर तुम लोग ने सुना होगा कभी मल्टी बैगर क्या होता है तो ये मल्टी बैगर इज नथिंग बट अग्रेस इन्वेस्टमेंट इन अग्रेसिव फंड ओनली तो ये अग्रेसिव फंड एक मल्टी बैगर में इन्वेस्ट करता है और ट्राई करता है कि उसको बहुत ज्यादा क्विकली ग्रो कर ले अगेन आई एम टेलिंग क्विकली ग्रो कर लें ग्रोथ फंड वाले को भी ग्रोथ चाहिए बट वो बोलता है दस साल में चार गुना बढ़ गया आई एम हैप्पी इसको पांच साल में दस गुना बढ़ना है बट उसमें उसका उतना रिस्क भी है uh, कि इट मैन बिकम जीरो आल्सो एंड देन इज समथिंग कॉल्ड एज इनकम फंड रेगुलरली अगर कोई ऐसा कंपनी जो डिविडेंड देता हो उसमें इन्वेस्ट करो जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदांता करके एक कंपनी है तो वेदांता साल में तीन या चार बार इट गिव डिविडेंड इट गिव्स डिविडेंट सो आपको क्या रेगुलरली इनकम मिल रहा है सो सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रेजेंट इनकम ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन सेफ स्टॉक्स पेइंगाईल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सो दे आर सुटेड फॉर सीकिंग करंट इनकम सो इक्विटी में भी डाल के आपको रेग्युलर इनकम भी मिल सकता है कोई टेंशन नहीं अभी देखो पहला क्या था इक्विटी ओरियंटेड तो उसका टाइप्स क्या फिर दूसरा क्या है डेट ओरिएटेड तो डेट ओरिएटेड का टाइप्स करेंगे एंड डेट ओरिएटेड में दो आता है एक आता है बॉन्ड फंड एंड दूसरा आता है गिल्ट फंड बॉन्ड फंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करता है कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देखो इंडिया में बॉन्ड्स का इतना सिस्टम नहीं है बट आउटसाइड इंडिया बॉन्ड फंड्स बहुत ज्यादा हिट है इंडिया में बॉन्ड फंड इतना हिट नहीं है मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड फंड्स का एक्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल एक, एक अभी इंडिया में एक बॉन्ड आया था श्रीराम एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको फंड कन्वर्टेबल और ट्वेल्व का रिटर्न दिया तो अगर कोई म्यूचुअल फंड है इन्वेस्ट करना चाहता है बॉन्ड फंड क्यों क्योंकि इस डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ने एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया जहां पे बहुत सारा आ, वो खुद बॉन्ड्स परचेस कर लिया है खुद नहीं तो बॉन्ड फंड में वो लोग का ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया इन अ बॉन्ड फंड अब इसका काम किया बॉन्ड फंड का टू इन्वेस्ट इन दो बॉन्ड्स तो इसने श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एनसीडीज में इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड फंड ने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया कॉर्पोरेट्स के तो उसको अभी रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा दैट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द यूनिट होल्डर समझ में आ गया मेनली इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट डिवेंचर्स जैसा मैंने बोला श्रीराम ट्रांसपोर्ट एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड एम एम आई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर्स सीकिंग टैक्स फ्री इनकम और स्ट्रेडिंग इनकम में ऑप फॉर सच फंड ऐसा है

तो गवर्नमेंट क्या करता है गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स दैट इज कॉल्ड एज अ गिल्ट फंड समझ में आ गया गिल so, अगर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है या ये गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड फंड और अ गिल्ट फंड फिर बाद में आते हैं थर्ड स्पेशल फंड्स के ऊपर ये देखो हाइब्रिड या जिसको बोलते हैं स्पेशल म्यूचुअल फंड सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन हुआ इक्विटी ओरिएंटेड डेट ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड या स्पेशल वाले में फिर डेट में गए सॉरी इक्विटी में गए उसमें तीन है ग्रोथ अग्रेसिव एंड इनकम फिर बाद में आ गए अपन लोग डेट ओरिएंटेड में इसमें दो है एक है बॉन्ड दूसरा है गिल्ड फंड फिर बाद में आ जाते हैं अभी अपन लोग स्पेशल फंड्स के ऊपर स्पेशल फंड में सबसे पहला है इंडेक्स फंड बहुत सिंपल है ये इंडेक्स फंड क्या करता है ध्यान से समझना इट विल इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है जैसे कि निफ्टी निफ्टी फिफ्टी में अगर इन्वेस्ट किया व्हाट इज निफ्टी फिफ्टी इंडिया के टॉप फिफ्टी कंपनीज का जो शेयर्स का अक्यूमेशन है उसको बोलते हैं निफ्टी बराबर है तो अब अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस निफ्टी फिफ्टी वाले टॉप फिफ्टी कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट किया वही प्रोपोर्शन में जो प्रोपोर्शन में निफ्टी फिफ्टी पे है देन इट इज कॉल्ड एज अ इंडेक्स फंड क्यों क्योंकि वो डायरेक्टली एक इंडेक्स में निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट करने वाला है एंड इट इज कॉल्डी सेंसेक्स इज अंडेक्स सेंसेक्स क्या है इंडिया की टॉप थर्टी कंपनी का अक्यूमुलेशन तो तुम लोग अगर कभी सुनते हो गए ना कि निफ्टी इतना बढ़ रहा है या सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रहा है तो सेंसेक्स इज वॉट इट इज अ कलेक्शन ऑफ टॉप ऑफ इंडिया तो अगर मेरे को ये टॉप में इन्वेस्ट करना है तो मैं थर्टी अलग अलग शेयर में तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा ना सम्बोज ये थर्टी शेयर में आते हैं रिलायंस टीसीएस इन्फोसिस एस डी एफ सी बैंक एटसेट्रा एटसेट्रा तो अब मैं क्या रिलायंस में अलग से करू फिर एस डी एफ सी में करू फिर इन्फोसिस में करू फिर टीसीएस में करूं तो उससे तो अच्छा है कि मैं एक इंडेक्स फंड में कर देता हूं इंडेक्स फंड विल इन्वेस्ट ऑन माय बिहाफ क्योंकि वो प्रोफेशनल है उसका काम ही यही है तो मैं थर्टी फंडी शेयर्स में इन्वेस्ट करूं फिफ्टी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं उससे अच्छा मैं एक इंडेक्स फंड ले लेता हूं निफ्टी का का या सेंसेक्स दे विल इन्वेस्ट ऑन माई बिहार अब डन फिर बाद में आता है इंटरनेशनल फंड्स एंड ऑफशोर फंड्स दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है अगर आपको पैसा आउटसाइड इंडिया करना है फॉर एक्साम्पल in मैंने hmm. किया हुआ मोतीलाल ओसवाल हंड्रेड so, वो मोतीलाल ओसवाल का फंड है जो 100 में इन्वेस्ट करता है no tension फिर बाद में आते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट फंड मनी मार्केट फंड मतलब मनी मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करवा करना है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा ज अपिटल प्रोटेक्शन ओरिएटेड फंड सीपीओ एफ बोलता है इसको कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या होता है से मैं क्या करूंगा हंड्रेड रुपीज है आ गया है मेरे पास से शेयर होल्डर यूनिट होल्डर्स से उसमें से सिक्सटी रुपीज आई विल इन्वेस्ट इन इक्विटी फोर्टी रुपीज आई विल इन्वेस्ट इन डेट एग्जाम्पल दे रहा हूँ अब कुछ भी हो जाए डेट तो उतना का उतना ही रहेगा तो फोर्टी रुपीज से तो नीचे जाएगा ही नहीं उस म्यूचुअल फंड का वैल्यू और जो इक्विटी में इन्वेस्ट किया अगर कुछ उसमें ऊपर नीचे भी होता है देन आल्सो एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप है कि यार 40 परसेंट तो मेरा पैसा सिक्योर्ड है अब इसमें ये जो डेट का पोर्शन है डिपेंड्स कभी कभी कुछ सिक्योरिटीज का 60 परसेंट होता है कुछ सिक्योरिटीज का 70 होता है कुछ सिक्योरिटीज का एट्टी डेट का पोर्शन होता है सो so दैट उतना आपको एक सिक्योरिटी है दैट दैट मनी विल नेवर गो डाउन एंड जो इक्विटी में दैट यू आर प्लेइंग कि भाई ये एक रिस्क क्लेर है थर्टी का इफ इट गोस अप एटलीस्ट मेरा डेट और इक्विटी एक बैलेंड वे में आगे बढ़ेगा सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरियंटेड फंड यस नेक्स्ट गोल्ड फंड गोल्ड फंड मतलब क्या होता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन गोल्ड अब एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जो गोल्ड को ट्रैक कर रहा है राइट right? सो so, उसको बोलते हैं लोग गोल्ड अब इसमें ना एक है जिसको मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं समथिंग कॉल्ड एज ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अब समझना इस बात को ईटीएफ का मतलब क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड व्हाट वॉट दिस ईटीएफ डू से फॉर एग्जाम्पल इसने एक जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी एक इंडेक्स को ये पकड़ लेगा तो अब ये इन निफ्टी में इन्वेस्ट करेगा तो अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन निफ्टी निफ्टी का कोई शेयर नहीं है तो आपको अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू दिस ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सचेंज में वो ट्रेड होता है इसके उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड सो स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई फंड लिस्टेड है सो इट इज कॉल्ड एज ए ईटीएफ तो जैसे निफ्टी ईटीएफ वैसा करके से फॉर एग्जाम्पल देर इज अनदर ईटीएफ ईटीएफ कॉल्ड एज अ गोल्ड आप मेरे को बताओ गोल्ड ईटीएफ क्या करेगा बोलो बोलो चल चल सो गोल्ड ईटीएफ का सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही जाएगा बट आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर से फॉर एग्जाम्पल गोल्ड नीचे गया तो ये गोल्ड ईटीएफ और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा गोल्ड में जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल से सेल कर देगा गोल्ड को ऐसे करके प्रोपरली गोल्ड को मैनेज करना हो तो अपने पास तो टाइम नहीं है तो अपन गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड ईटीएफ विल डू इट फॉर्म ऑफ एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है ना फंड उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडिड फंड अब ये एक्सचेंज ट्रेडिड फंड आगे भी आएगा बट खाली एक आइडिया दे दू कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को

लास्ट फाइव डेज से बढ़ रहा है प्लीज शो मी बाय रिकमेंडेशन एंड एनी स्टॉक्स जिसका शेयर्स का प्राइस पांच दिन से कम हो रहा है तो उसका मेरे को सेल रिकमेंडेशन बता दो सो so, ऑटोमेटिकली वो बाय सेल उस हिसाब से सेट कर देगा जो भी शेयर बढ़ रहा है उसको वो बाय कर लेगा सेल हो रहा है सेल कर लेगा तो एक एल्गोहरिदम सेट कर दिया है

फिर बाद में आता है डायरेक्ट प्लान इन म्यूचुअल अब इसमें डायरेक्ट प्लान होता है तो उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं है और एक दूसरा होता है रेगुलर प्लान रेगुलर प्लान में आपका कमीशन कट होके फिर बाद में आपको पैसा मिलता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया दस रुपया एन के टाइम पे ठीक है ना न्यू फंड ऑफर के टाइम पे एंड अभी उसका नया दिखा रहा है थर्टी अब अगर आपका डायरेक्ट फंड है देन इन दैट केस आपको 35 पूरा मिल जाएगा बट अगर आपका रेगुलर है देन इन दैट केस 35 में से से 5% कमीशन है वो कट के आपको पैसा मिलेगा द इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली अप्रोच अ म्यूचुअल फंड हाउस विदाउट गोइंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर जो कमीशन एजेंट है अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट प्लान इज दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड डज नॉट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंसेस एनी ट्रांजेक्शन चार्जेस इसके लिए आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हो कोई टेंशन नहीं है. अगर आपका 35 है तो आपको पूरा थर्टी फाइव मिल जाएगा बट अगर आपने आ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के के तो उतरा कटके आपको पैसा मिलेगा फिर बाद में आता है टाइप्स ऑफ स्कीम्स ये टाइप ऑफ स्कीम्स सिंपल सिंपल है देखो फटाफट देख लेते हैं सबसे पहले बैलेंस फंड तो अगर आपको डेट और इक्विटी स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए से बिटवीन थर्टी टू फोर्टी इस ऑफ एज शुड इन्वेस्ट इन अ बैलेंस फंडी लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन फंड जहां पे डेट है ही नहीं बिकॉज आप लोगों को अग्रेशन चाहिए एंड यू में अर्न गुड रिटर्न सो ये हो गया एक मेरा बैलेंस फंड फिर बाद में होता है सेक्टर फंड कोई स्पेसिफिक सेक्टर को अगर आपको फोकस करना है जैसे जब एआई आया था तो आईटी सेक्टर बहुत बूम पे आ गया जैसे जब कोविड आया तो फार्मा सेक्टर बहुत बूम पे आ गया तो ऐसे आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है और उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्टर फंड थीमेटिक फंड सेगजाम्पल आप कोई थीम पकड़ सकते हैं यूजुअली क्या होता है पता है क्या जब बजट आने वाला होता है ना इंडिया का उसके पहले आइडिया आ जाता है कि बजट में एग्रीकल्चर और डिफेंस के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो आप एक थीम पकड़ सकते हो एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल देखो सेक्टर और थीमेटिक फंड में पब्लिक को कंफ्यूजन होता है मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं सेक्टर फंड में आप पर्टिकुलर सेक्टर को ही के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हो तो आपने फार्मा सेक्टर अगर है तो फार्मा के जितनी भी कंपनीज है से। आईटी सेक्टर है तो आईटी में इंफोसिस इज आईटी टी कंपनी इंफोसिस के बाद टीसीएस इज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट इज आईटी कंपनी तो आप यही कंपनीज आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे थीमेटिक फंड क्या होता है तो एक थीम को पकड़ता है तो थीम को पकड़ना मतलब एग्रीकल्चर को मैंने एक थीम को पकड़ा तो अब एग्रीकल्चर से कनेक्टेड सारे के सारे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा फॉर so मैंने एक थीम पकड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल एस्टेट आ गया सीमेंट कंपनी आ गया स्टील एंड पावर आ गया तो, तो सिर्फ बजट में गवर्नमेंट ने बोला भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वी विल गिव फिफ्टी थाउजेंड करोड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम इज नाउ गोइंग टू बी गुड तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा करना है तो उसके लिए रियल एस्टेट चाहिए तो रियल एस्टेट शेयर्स भी बढ़ेगा उसके लिए स्टील पावर और ये सब चाहिए तो 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 वो भी बढ़ेगा सो ऑल ऑफ दैट इज अ थीम थीम एक आ गया फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल कंपनी के ऊपर तो डालेंगे बट एग्रीकल्चर से कनेक्टेड कंपनी क्या है तो कोई किसान के ऊपर कुछ स्पेसिफिक कर रहा है क्या तो वैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दिया सो इट इज कॉल्ड एज अ थीमेटिक फंड फिर बाद में आ जाता है कैश फंड प्योरली अगर आपको लिक्विड चाहिए कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम और समझो मेरे घर पे कैश पड़ा है और ट्वेंटी डेज के लिए मैं वो कैश का क्या करूं तो मैं क्या करूंगा कैश फंड में डाल दूंगा जब चाहिए मेरे को मैं लिक्विडेट भी कर सकता हूं सो ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम टू जनरेट विद लोअर फिर बाद में आ जाता है आर्बिट्राज फंड से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी और आपको उसका फायदा लेना है बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप आर्बिट्राज फंड्स में डालो दे विल डू दैट फॉर यू सो रिस्क फ्री प्रॉफिट आपको आते ही जाएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस फिर बाद में आता है फंड ऑफ फंड से आप किसी ऐसे फंड में डाल रहे हो जहां पे वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है मालूम है री इंश्योरेंस करके होता है तो जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास करवाती है दैट इज कॉल्ड एज री इंश्योरेंस वैसे ही सेम कोई एक म्यूचुअल फंड है उसने 80% परसेंट इन्वेस्टमेंट कर दिया अब परसेंट उसको समझ में नहीं आ रहा है कहां म्यूचुअल तो in fund in in फिर बाद में आता है फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको पैसा चाहिए या ड्यूरेशन के बाद पैसा चाहिए तो आप फिक्स मेच्योरिटी प्लान में डाल सकते हो वहां से पैसा आ सकता है क्लोज एंडेड फंड्स where वन कैन इन्वेस्ट इन फिक्सड इनकम सेक्टर्स लाइक commercial deposit and all of that arbitrage तो अगर आप कमर्शियल डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में खुद इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे टाइम नहीं है तो आप फिक्स मेजोरिटी प्लान में इन्वेस्ट कर दो दे विल इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट एंड ऑब्वियसली उससे जो भी रिटर्न आएगा इंटरेस्ट आएगा वो आप लोगों को पास ऑन हो जाएगा फिर बाद में होता है ELSS जिसको बोलते हैं प्यार से इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम सो अगर आपको टैक्स सेव करना है अंडर सेक्शन एटीसी तो गवर्नमेंट बोलता है आप ELSS में इन्वेस्ट करो जिसको बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आप उसमें इन्वेस्ट करो ना कोई प्रॉब्लम नहीं तो एक ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसका नाम ही होता है ई एल एस एस जैसे मैंने डाला हुआ है मैंने एक इन्वेस्टमेंट फंड में डाला है मिराट ई एल एस एस फंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड में डाला है उसको बोलते हैं सेविंग टू सेव टैक्स अंडर सेक्शन एटी अंडर सेक्शन एस एस में, आ गया? तो, अगर आपने में डाला, तो आपने में डाला अच्छा खासा जाएगा फिर बाद में नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफाइड ये तो इजी है फ्लेक्सी कैप फंड मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब क्या होता है एटलीस्ट सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी सो बट ये इक्विटी में आपको फिर जहां इन्वेस्ट करना है करो हावट देर इज अ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको लार्ज फंड में लार्ज कैप में मिड कैप में स्मॉल कैप में जहां इन्वेस्ट करना है कर सकते हो देखो अभी मेरा चैनल फॉलो करो ये लार्ज कैप क्या होता है मिड कैप क्या होता है स्मॉल कैप क्या होता है वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया एक एक मिनट में रील्स पे तो वो भी मजा आएगा बट फिर भी बता दू जो कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर ओवरऑल मार्केट वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ से ज्यादा है वो सारा का सारा है आपका लार्ज कैप फंड फिर बाद में आता है नो 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 श्याम सुंदर नॉट फंड फिर बाद में आता है मिड कैप फंड मिड कैप फंड मतलब पांच हजार करोड़ से बीस हजार करोड़ का अगर आपका मार्केट वैल्यू है तो यू आर अ मिड कैप फंड अगर पांच हजार से कम वैल्यू है देन इन कैस केस यू आर अ स्मॉल कैप फंड इसको तो आप फ्लेक्सी कैप फंड हो तो फ्लेक्सी कैप फंड

से ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट इज साइज कैप मीन कैपिटल हा टोटल उसका मार्केट वैल्यू कितना है That is called as a cap, capitalization. तो इसके लिए लार्ज कैप बोलते हैं उसको ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ से ज्यादा आपका मार्केट वैल्यू है तो इट इज कॉल्ड एजार्ज कैप वैसा नेक्स्ट right, है फिर बाद में कॉन्ट्राफंड फंड बहुत सही है कॉन्ट्रा फंड बोलता है कि उल्टा सोचो अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऊपर जा रहा है देन इन दैट केस आप फंड में इन्वेस्ट करो मतलब अगर समझो कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है तो आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते आपको लग रहा है कि यार मार्केट ऊपर अगर समझो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मार्केट गिर रहा है चल शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं अब अगर मार्केट गिर रहा है और उसने बोला कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रा सोच रहा है मतलब यार एक तो मार्केट गिर रहा है तो आइडियली तो भी और गिरेगा तो अगर गिरने वाला है मार्केट तो अपने को क्यों इन्वेस्ट करने का बट उसको उल्टा लगता है कि मार्केट गिर रहा है ना चल इन्वेस्ट कर देते हैं हो सकता है ऊपर जाए फॉर so एक्साम्पल आपको लगेगा की आई टी फंड करते हैं आई टी का बहुत अच्छा है तो बोलेगा नहीं नहीं आई टी नहीं हेल्थ सेक्टर वाले फंड करते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रा मार्केट में जो बिलीफ चल रहा है उसके अगेंस्ट में जाते हैं ना उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा दैट आर प्रेजेंटली आउट ऑफ बेस्ट देता हूं। मैंने है ना, दो दिन पहले आइडिया दे दू लास्ट अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव से एच डी एफ सी बैंक इट वॉज ना बड़ा है ना कम हो रहा है तो आज की तारीख में एच डी एफ सी बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है बट मैंने कॉन्ट्रा व्यू लिया और एच डी एफ सी बैंक में इन्वेस्ट किया लग के कि नहीं यार ये ऊपर जाएगा अभी देखते हैं क्या होता है वो तो टाइम विल टेल बट जस्ट टेलिंग अगर आपको लगता है कुछ ऑपोजिट सोच के इन्वेस्ट करना है सो दैट यू विल इन्वेस्ट इन अ कंट्रा फंड प्रेजेंटली आउट ऑफ फेवर समझ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा अग्रेसिव रिस्क एपेटाइट नेक्स्ट डिविडेंड डिविडेंड ऐसा फंड जो देगा इन्वेस्ट इन क्लास ऑफ़ बाद में आ जाता है आइडिया तो दे दिया ऐसा फंड जो कोई पर्टिकुलर चीज को ही ट्रैक करता है से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है पर मेरे पास टाइम नहीं है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ना मेरे पास नॉलेज है तो मैं बॉन्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करूंगा बॉन्ड में, so में, में, तो में ही जाएगा मेरे को इंडेक्स फंड निफ्टी में इन्वेस्ट करना है ठीक है तो अगर मेरे को निफ्टी में इन्वेस्ट करना है मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं निफ्टी ईटीएफ या जिसको बोलते हैं इंडेक्स ईटीएफ उसमें इन्वेस्ट करूंगा दैट होल्ड सिक्योरिटी देखो एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अकेटेबल सिक्योरिटी मार्केटेबल मतलब ऑन द स्पॉट बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो म्यूचुअल फंड में आपको फिर भी जाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास फिर बाद में वो पैसा देगा और उसका जो नैव है वो भी क्लोजिंग पे आता है डे एंड पे आता है यहाँ पे ऑन द स्पॉट एवरी सेकेंड इसका नैव चेंज होते रहेगा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है बट दैट्स वॉट इट इज ट्रेडिंग ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज वेरी इजी कैन बी डन वेरी क्विकली An ETF or exchange traded fund is a marketable security that tracks an index, a commodity, a basket of assets like an index fund. In simple terms, ETFs are funds that track indexes such as ENX, Nifty, BSC, Sensex, etc. When you buy shares or units of an ETF, you are buying shares or units of a particular that tracks the yield and return of its native index. Just say index is a native in native fund. जैसे कमोडिटी ईटीएफ तो आपने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यू विल इन्वेस्ट इन अ कमोडिटी ईटीएफ जैसे बॉन्ड ईटीएफ है जैसे करंसी ईटीएफ है सो दीज आर द काइंड ऑफ ईटीएफ्स विच आर दैट दैट होल्ड सिक्योरिटीज एंड एन अटेम्प टू रेप्लीकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स कमोडिटी ईटीएफ प्रेशियस मेटल्स बॉन्ड ईटीएफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा करेंसी करेंसी में इन्वेस्ट करेगा लग रहा है कि भाई कोई करेंसी में फ्लक्चुएशन से अपने को पैसा कमाना करेंसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट एक्सचेंज लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सो जब अपन लोग फॉरेक्स करेंगे तब अपने को समझेगा फॉरेक्स करते हैं तब अपने को समझता है कि यार यस ये करेंसी के फ्लक्चुएशन से भी आप हाँ पैसा कमा सकते हो सो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इंडेक्स कमोडिटी बॉन्ड ईटीएफ एंड करेंसी ईटीएफ टर्म्स एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड फिर बाद में आता है कुछ टर्म्स विच इज कॉल्ड एज ट्रेल कमीशन एंड साइड पॉकेटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है रेगुलर कमीशन पेड टू वो आपको काइंड ऑफ पे करना पड़ेगा कॉल्ड एज ट्रेल कमीशन इट इज अमाउंट दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पे टू एडवाइजर इच इपज ऑफ चार्जिंग कमीशन फ्रॉम इन्वेस्टर इज टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द इन्वेस्टर टू द एडवाइजर टू रिव्यू द कस्टमर्स होल्डिंग सो मेरे पास कोई एडवाइजर है जो मुझे बता रहे है भाई ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर अभी ये म्यूचुअल फंड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आपको रेगुलर रिटर्न मिलेगा तो आपको एक एडवाइजर रखना पड़ेगा एडवाइजर क्या लेगा आपसे ट्रेल कमीशन फिर बाद में होता है एक साइड पॉकेटिंग ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है साइड पॉकेटिंग का मतलब होता है ऐसे फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर्स में डेट में गोल्ड में सब जगह उस वैसे जो उसने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया था ना दस इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया था उसमें से तीन इक्विटी शेयर ऐसा निकला जो वो तीन इक्विटी शेयर खराब है मतलब दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो ये जो तीन इक्विटी शेयर है विच आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ये साइड पे आ जाएगा इसको अपन लोग अपने फंड से काइंड ऑफ साइड पॉकेट कर देंगे ताकि फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो व्हेन दीज इक्विटी शेयर्स डू वेल या मैं इनका एवरेजिंग कर लूंगा या मैं ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूंगा कि ओवरऑल इनका भी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए एंड द म्यूचुअल फंड डज वेल ऑन अरेग्यूलर बेसिस बट फॉर नाउ मैं इनको साइड पॉकेट कर दूंगा साइड पे रख दूंगा एंड बाकी का मेरा जो पोर्टेल ऑफ म्यूचुअल फंड है वो ही करूंगा कैश होल्डिंग सो यहाँ पे वॉट इज गोइंग टू है मेरे पास अगर कोई मेरा जो म्यूचुअल फंड है उसने इन्वेस्ट किया है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में डेट में इस इक्विटी में भी दस इसमें इस से तीन इसको अलग रखूंगा और मैं बताऊंगा मेरा जो म्यूचुअल फंड है उसका कॉम्पोजिशन है सेवन शेयर जो अच्छे वाले प्लस डेट सो दैट द इन्वेस्टर्स आर एक्साइटेड टू इन्वेस्ट अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है जब ये तीन शेयर्स को एवरेजिंग करके कहीं पे प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करके चैनलाइज कर दिया तो इसको मैं प्रॉपरली इंक्लूड कर लूंगा मेरे ओवरऑल सिनारियों में समझ में आया वैसा तो पर्पज बट ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है इंडियन कॉन्टेक्स में सो एनी वेज द पर्पज इज टू मेक श्योर दैट मनी इन्वेस्टेड इज लिंक्ड टू विच इज लिंक टू स्ट्रेस्ड एसेट्स मैं बोला ना वो जो तीन शेयर्स है वो क्या है वो स्ट्रेस्ड है ये जो तीन शेयर्स है ये स्ट्रेस्ड फंड रिकवर्सिंग ऑफिक्विड सेल कर दो, तो बात वैसा। फिर में है, इसमें दो तरह के म्यूचुअल फंड होता है एक होता है ओपन हैंडेड एक होता है क्लोज हैंडेड ओपन हैंडेड म्यूचुअल फंड का एनी टाइम आप बाई कर सकते हो आप एनी टाइम सेल कर सकते होक्विडिटी सो हाई लिक्विडिटी कैन बी बॉट और रिडीम्ड एट एनी टाइम एक्सेप्शन ई एल एस एस एक्सेप्शन अगर ई एल एस एस फंड है तो तीन ईयर का लॉक इन होता ही होता है बाय गवर्नमेंट फंड साइज फ्लेक्सिबल है जब आपको चाहिए तब आपको पैसा मिल जाएगा यूजुअली एस आई पी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट होता है नैब के ऊपर बेस्ड प्राइस है क्योंकि क्लोज एंडेड फंड में प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस यहाँ पे एस आई पी आप कर सकते हो एवरी मंथ आप ओपन हैंडेड फंड पे खरीद सकते हो पर क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं है आप खाली एक बार एन के टाइम पे ही ले सकते हो फंड साइज क्लोज एंडेड में फिक्स होता है फ्लेक्सिबल होता है इन केस ऑफ ओपन एंडेड ओपन एंडेड में तो आप एवरी डे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो तो फंड साइज तो रोज चेंज होने वाला है बट क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं है एक बार एन एफ ओ क्लोज देन इन दैट केस आपका फंड साइज फ्रीज हो जाता है लिक्विडिटी इज डिफिकल्ट बिकॉज आपका यू नो देर इज अ स्पेसिफिक टाइम आफ्टर विच ओनली यू कैन रिडीम परचेज ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड एंड रिडीम आफ्टर लॉक इन पीरियड इज कॉल्ड एज अ क्लोज एंडेड सो हा सो अगर कोई क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड हुआ देन इन दैट केस आप परचेज कर लो ऑफर पीरियड में उसमें तीन साल का लॉक इन होगा उसके बाद ही आप भेज सकते हो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज एंडेड

पर्सन तो है।, तीन -तीन है।, तो आप uh, है, है आपका फंड अब आप इन्वेस्ट करोगे रिलायंस टीसीएस माइक्रोसॉफ्ट अपना इन्फोसिस और दो तीन कंपनीज में बट पे ये को तो सब पता है कौन सी कंपनीज अच्छे कर रही है नहीं कर रही है तो दे विल डाइवर्सिफाई अकॉर्डिंगली एंड इन्वेस्ट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल लिक्विडिटी जब आपको पैसा चाहिए आपको मिल सकता है फ्लेक्सिबिलिटी आप मंथली आपके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा डालो आपके आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड में से थोड़ा थोड़ा पैसा डालो सो दैट बेसिकली कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी और सिस्टमैटिक विड्रॉल भी है फॉर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स है उनको उन्होंने जिंदगी भर जो पैसा कमाया अब उनको चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करें तो वो लोग क्या करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स है फंड में। तो से अगर, 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 से, उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी में से पचास लाख रुपए का एक सेविंग किया है अब वो क्या करेंगे डिपॉजिट में डालेंगे बट ये सही नहीं है उनको क्या करना चाहिए उनको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए अब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करो पता है कैसे महीने का मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को टेन थाउजेंड रुपीज चाहिए तो आप इसमें से टेन थाउजेंड रुपीज निकाल लो ना तो भी आपका फोर्टी नाइन लाख नाइन थाउजेंड तो इन्वेस्टेड रहेगा म्यूचुअल फंड में और उसके ऊपर तो एक अच्छा रिटर्न आएगा राइट आपको लग रहा है कि भाई पचास लाख ब्लॉक क्यों करूं ब्लॉक करने की बात ही नहीं जब जब आपको जितना पैसा चाहिए अब नेक्स्ट मंथ वापस से आपका दस हजार आ गया नेक्स्ट मंथ वापस से दस हजार आ गया बट एटलीस्ट उतना फोर्टी नाइन लाख रुपीज तो इन्वेस्टेड रहेगा बाद में आता है ट्रांसपरेंसी सो so, आपको नैव uh, रिपोर्ट तो डेली बेसिस पे देना पड़ता है प्लस ओवरऑल डिस्कलोजर्स करना पड़ता है कि भाई कहा आपने पैसा इन्वेस्ट किया है एवरीथिंग इज देयर

कोई गारंटी नहीं है ये लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें बट हो सकता है कि कभी-कभी अच्छा है।, है फिर बाद में आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फंड अगर आपने प्रॉपर फंड सिलेक्ट नहीं किया तो यू में लूज आउट ऑन गुड अमाउंट ऑफ मनी प्रैक्टिस भी करते हैं अभी देखो सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड

एच डी एफ सी बैंक में ये म्यूचुअल फंड दो दिन बाद इन्वेस्ट करने वाला है तू आज ही इन्वेस्ट कर दे ताकि जब ऊपर जाएगा तो तेरे को उसका फायदा मिल जाएगा उस फायदे में से थोड़ा मेरे को दे देना समझे उसको बोलते हैं प्रैक्टिस इसको प्यार से मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग इसको प्यार से मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग अपन लोग ने सुना हुआ है ये वैसा ही है

डिविएशन हो रहा है बेंचमार्क मतलब से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 तो अगर निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 15% का तो आपके म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है उसको बोलते हैं ट्रैकिंग अगर आपने 15 से ज्यादा दिया है तो अच्छी बात है बट अगर 15 से कम दिया है तो आप म्यूचुअल फंड को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो दैट ऑब्वियसली शुड नॉट हैपन कि भाई हम इस बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं कि भाई इतना से फॉर एक्जाम्पल निफ्टी है तो मैं निफ्टी फिफ्टी को फॉलो कर रहा हूं तो अब मेरा वो बेंच मार्क है अब उससे मेरा कितना ऊपर हुआ है कितना नीचे हुआ है उसको बोलते हैं ट्रैकिंग ट्रैकिंग एर सो so, क्या है ये डिफरेंशियल रिटर्न डी माइनस डी बार अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई इसका फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है कि ना कभी कहीं पे आया है ना आएगा बट फिर भी अपने को अगर रखना है तो इट इज नथिंग बट नी माइनस डी बार द होल स्क्वायर अपॉन एन सर इसका कोई सम नहीं करने का जरूरत है नहीं जरा भी इसका सम कुछ भी ऐसा है भी नहीं इंस्टीट्यूट के उसमें करने की भी जरूरत नहीं है बट जस्ट दैट ट्रैकिंग एरर पता होना चाहिए कि आप जिस बेंचमार्क uh, इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो आपका म्यूचुअल फंड

तो फिर तो नहीं आना चाहिए ना एक भी ट्रैकिंग है। फिर भी आता है क्यू? से ट्रांजेक्शन ले ले तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिर कभी कभी फंड के एक्सपेंसिज होते हैं कुछ वो लोग कैश में होल्ड करके रखते हैं तो पूरा पैसा इन्वेस्ट ना किया हो सैंपलिंग बिजनेस फीस चार्ज बाई एमसी की वजह से ऑल ऑफ दीज आर द रीजन जिसकी वजह से ये ट्रैकिंग एरर आ सकता है समझ में आया एवरीबॉडी सो दिस इज अबाउट योर थ्योरी इसमें से कुछ आ सकता है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में आई आई थिंक मोर दैट सो ये अपने को पूरी तरह से uh, समझ में आ गया होगा ओके देन सो या टाइम फॉर मीडू से आस्ताला की थैंक यू सो मच टेक केयर एंड आई होप सेशन अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा सब आपको एंड uh, कल मिलते हैं क्विक फायर सिक्स चैप्टर्स मस्त में कर देंगे बाय बाय कीप स्माइलिंग